हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं डीसी की तरफ से आने वाली फिल्म जोकर के बारे में, जिसे लेकर काफी अच्छा अपडेट निकल कर आया है। वेल, तो क्या है वो डिटेल, चलिए उस पर कुछ डिस्कशन करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये बात सभी के सभी डीसी फैंस को पता है कि इस साल डीसी के यूनिवर्स की हमें जोकर फिल्म देखने मिलने वाली है, जो कि अक्टूबर के महीने में रिलीज होगी। लेकिन देखा जाए तो इस हिसाब से इस फिल्म के ट्रेलर को कॉमिक कॉन के सैन डिएगो के इवेंट में दिखा देना चाहिए था। यहाँ तक कि बर्ड्स ऑफ प्रे फिल्म का भी टीजर कॉमिक कॉन के उस इवेंट में रिलीज करना चाहिए था। वंडर वुमन 1984 फिल्म से भी रिलेटेड कोई ना कोई डिटेल उस इवेंट में हमें मिलनी चाहिए थी, जो कि मिली नहीं। और उसकी डिटेल पर भी मैंने एक पूरी की पूरी अलग वीडियो बनाकर आपको ये बताया था कि डीसी की तरफ से कॉमिक कॉन के पैनल को इस बार यूज क्यों नहीं किया जाएगा, क्योंकि देखा जाए तो कॉमिक कॉन के इवेंट में ज्यादातर तो चार चांद सुपर हीरोज की फिल्में ही लगाती है। लेकिन ऐसे में देखा जाए तो शायद हो सकता है कि वार्नर ब्रदर्स की तरफ से जोकर फिल्म को इसलिए रिलीज नहीं किया गया क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर फिलिप स्टॉड ने भी ये बात कंफर्म की थी कि ये फिल्म डीसी की कॉमिक बुक की स्टोरी नहीं, जिससे हो सकता है कि काफी सारे डीसी फैंस अपसेट हो जाए, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर खुद की क्रिएटिविटी दिखाकर इस फिल्म को बनाया है जो कि बहुत ही अच्छी बनी है। और उसके बाद बात करें इस फिल्म की स्क्रिप्ट राइटर पर, तो उनका नाम है स्कॉट सिल्वर, जिन्होंने इसके पहले फाइटर, 8 माइल, द फाइनेस्ट और अभी हल्क हॉगन की बायोग्राफी की स्टोरी लिख रहे हैं, जिसमें हमें क्रिस हेम्सवर्थ देखने मिलने वाले हैं। और हाँ, उस फिल्म के डायरेक्टर भी फिलिप थॉट ही है, यानी देखा जाए तो यहाँ पर स्कॉट सिल्वर और फिलिप थॉट की जोड़ी बन गई है। और अगर आपको एक चीज याद होगी तो पहले इस फिल्म के साथ एक और बड़ा नाम जोड़ा गया था, जो नाम एक्चुअल में मार्टिन सोरिस का था, जिससे हमें ये भी अंदाजा हो जाता है कि मार्टिन सोरिस किस लेवल के डायरेक्टर है और कैसी फिल्में बनाते हैं। यानी कहीं ना कहीं जोकर फिल्म की स्क्रिप्ट मार्टिन तक को बहुत ज्यादा पसंद आई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इस फिल्म को प्रोड्यूस नहीं कर पाए क्योंकि वो अपने दूसरे प्रोजेक्ट में काफी ज्यादा बिजी हो गए थे, जिस फिल्म का टाइटल है दी आयरिशमैन। लेकिन अब जो भी हो, जोकर फिल्म पूरी तरीके से बनकर रेडी है और डीसी फैंस को बहुत ही ज्यादा उम्मीद है फिल्म के डायरेक्टर से भी और फिल्म के एक्टर जैकविन फिनिक्स से भी, जिनकी परफॉर्मेंस फिल्म के टीजर में लाजवाब लग रही है। और शायद ये चीज खुद वार्नर ब्रदर्स ने भी नोटिस की है, इसलिए इस फिल्म को एक स्पेशल जगह दी गई है और ये जगह है ITFF और वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। जी हाँ, इन दोनों ही फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म को दिखाया जाएगा, जिसकी कंफर्मेशन ऑफिशियली कर दी गई है। यानी देखा जाए तो ऐसे फिल्म फेस्टिवल्स में खास करके अवार्ड्स के लिए ही फिल्में दिखाई जाती है और जोकर फिल्म भी शायद उनमें से एक फिल्म हो सकती है जो फिल्म शायद बेस्ट एक्टर या फिर अपनी अलग स्टोरी के लिए कोई ना कोई अवार्ड जरूर जीते, क्योंकि ये फिल्म हमें सिर्फ जोकर का डार्क साइड नहीं बल्कि उसका एक अच्छा साइड भी दिखाएगी, जिनकी वजह से वो आज इस मुकाम पर है। और अब बात करें डीसी की दो दूसरी फिल्मों की, जिनकी अनाउंसमेंट और रिलीज डेट ऑफिशियली कंफर्म कर दी गई थी, जिनमें से एक है बर्ड्स ऑफ प्रे, जो नेक्स्ट ईयर फरवरी के महीने में रिलीज होगी, और दूसरी है वंडर वुमन 1984, और ये फिल्म भी नेक्स्ट ईयर जून के महीने में रिलीज की जाएगी। तो शायद हो सकता है शायद इस साल न्यूयॉर्क के कॉमिक कॉन के इवेंट में डीसी से रिलेटेड हमें कोई ना कोई अपडेट पता चले। और अगर आप न्यूयॉर्क के कॉमिक कॉन की डेट पूछोगे तो ये डेट है 3 अक्टूबर की, तो अब इनमें से एक फिल्म या फिर इन दोनों ही फिल्मों के टीजर की अनाउंसमेंट इस इवेंट में हो सकती है। वेल, तो अब आपकी क्या राय है सभी डिटेल्स को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और उसी के साथ साथ मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लगे तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अगर आप इस फिल्म से रिलेटेड या फिर कोई दूसरी और फिल्म से रिलेटेड मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो सीधे आ जाइए मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जहाँ पर मैं ये कोशिश करता हूँ कि आपके सभी के सभी डीएम के जवाब मैं टाइम पर दे पाऊँ। हालांकि आपको वहाँ पर जवाब थोड़े लेट मिलेंगे, लेकिन ये पक्का है कि आपको वहाँ पर आपके सवालों के जवाब मैं देने की 100% कोशिश करूंगा। और इस चैनल के अलावा मेरे दो और चैनल्स हैं, एक है द मूवी स्टॉक शो और दूसरा मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन, जहाँ पर मैं हॉलीवुड और कुछ बॉलीवुड फिल्मों की एक्सप्लेनेशन करता हूँ। खैर, तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय।